मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ज्यादा प्रेम करता है। प्रेम करने के द्वारा ही प्रतिदिन हमारे लिए वो अगुवाई करता है और हमें सलाह भी देता है, और जब आशीष को देता है, जब कभी भटक जाते हैं उस वक्त सही मार्गों में परमेश्वर हमें वो अगुवाई करता है। आज के दिन में परमेश्वर सुंदर सलाह को देना चाहता है। नीति वचन 16 का 6 वचन में देखेंगे, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। बुराई हमारा जीवन में कभी कभी इस प्रकार की बुराइयों के लिए हम स्थान देते हैं, अपनी भूल से इस प्रकार जो है कभी कभी बुराई के लिए स्थान दे देते हैं। अपने जहाँ पर काम करते हैं उस वक्त में हम बुराई करते हैं, जहाँ हम बिजनेस करते हैं किसी न किसी काम में हम बुराई को भूल से कर देते हैं। बिजनेस में कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो है सेवा में भी इस प्रकार की बुराइयों के लिए स्थान देते हैं। कहाँ से बुराई उत्पन्न होता है मालूम है? जब आप अपनी सेवा में मनमानी करते हैं उस वक्त बुराई हो जाती है। जब परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, उस डर जहाँ कम होती है, उस वक्त परमेश्वर से हम बुराई करते हैं। प्रभु के बारे में हमें डरना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर मुझको सब स्थान में देखता है। ऐसे डर आपके अंदर रहने से आप जो है बुराई से बचे रहेंगे। आज बहुत लोगों को सीसीटीवी कैमरा से वे डरते हैं। उसके डर से कोई आपको लाभ नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो ऊपर है वो सभी बातों को नंगे नंगे वो देखता है। मेरे वचनों को वो सुनता है, मेरे चाल चलन को ध्यान से देखता है। इस प्रकार हमें डरना चाहिए। यदि परमेश्वर मुझे देखता है, इसी भावना को मन में आप रखेंगे तो जरूर आप बुराई से बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का डर जिसके मन में भी रहेगा उस व्यक्ति बुराई से वो दूर रहेगा। और परमेश्वर मुझे देखता है इसी भावना के साथ, इसी मनसा के साथ हमेशा रहना है। बच्चों को देखिए, पिता से इतना डरते हैं वे, जब पापा घर में नहीं रहेंगे इतना नटखट करते हैं। लेकिन पापा का जब गाड़ी आने के जो आवाज़ सुनाई पड़ती तुरंत वो शांत हो जाते हैं। माँ कहती है तो इतना ये लोग शांत हो जाते हैं। कोई कोई माँ के लिए डरते हैं, पापा के लिए बहुत ही प्यारा रहते हैं, वो पापा से नहीं डरते हैं। माता पिता की जो डर बच्चों के अंदर रहने के चलते हुए हमेशा गलती करने के लिए सोचते हैं, गलती नहीं करते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर का प्रति हमारे अंदर डर रहेगा तो जरूर हम बुराई से और गलती करने से हम दूर रहेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की जो आरंभ होती है। इसलिए हमेशा हमारे सेवा में भी परमेश्वर का प्रति हमेशा डर रहना है। वो मेरी सेवा को देखता है, क्या मेरे सेवा को परमेश्वर प्रिय जान के क्या मुझको आशीष देगा। आज उस डर के लिए प्रार्थना करना है। जी हाँ, वो बड़ी आशीष है। क्या आप प्रार्थना करेंगे ऐसे अपने दिल में रख के, हे पिता, आपके लिए डरने की भावना को मेरे दिल में तू देना है। आज मैं अर्पण करता हूँ, बुराई से तू मुझे बचा के रखना है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन।